ही में आबूराज के महान तीर्थ श्री पुष्कर राज जी का जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महोत्सव जगत ने देखा। वो एक ऐतिहासिक महोत्सव था जिसमें लाखों श्रद्धालु बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मीडिया के केवल दर्शन के लिए पहुंचे थे और वो एक संत की प्रेरणा से हुआ, एक संत के मार्गदर्शन में हुआ, एक संत के आह्वान पर हुआ और वो संत हैं आबूराज के महान संत श्री श्री 1008 श्री शिवगिरी बापू के परम शिष्य श्री श्री 1008 श्री चंदन गिरी बापू, जिनके लाखों अनुयायी हैं, जिनके भक्तों की अनंत संख्या है। लेकिन आज मैं जिस मंदिर में पहुंचा हूं वो 1100 साल पुराना श्री अरुणेश्वर महादेव जी का मंदिर है। बड़ा अद्भुत मंदिर है, बड़ा रोचक इतिहास है इस मंदिर का, जिसका 3री बार जीर्णोद्धार परम पूज्य अवतारी संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री चंदन गिरी बापू के मार्गदर्शन में हुआ और ये सौभाग्य लिया एक महान शिव भक्त श्रीमान राजू भाई रावल, जो गोयली निवासी है लेकिन भक्त है, बापू के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, आबूराज के भक्त हैं। मैं इस मंदिर के ऐतिहासिक जानकारी आपको सिरोही टेम्पल्स के प्लेटफॉर्म से देने का विनम्र प्रयास करता हूं। इस दिव्य और भव्य शिव पंचायतन देवालय की प्रथम प्रतिष्ठा आज से लगभग 1337 वर्ष पूर्व यानी विक्रम संवत 964 में हुई। कितना पुराना मंदिर है। उस समय इस तीर्थ की प्रसिद्धि एवं महिमा चहुं ओर थी और जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में तीर्थ में दर्शनार्थी पहुंचते थे। आप इस मंदिर की सजावट को देख सकते हैं, इसका हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है, हाल ही में प्रतिष्ठा हुई है। ये श्री अरुणेश्वर मंदिर है, यहां श्री सूर्य भगवान का मंदिर है, यहां विष्णु भगवान का मंदिर है, महादेव के मंदिर है, यहां गंगा मैया का मंदिर है, यहां शिव मंदिर है। ये अलौकिक मंदिर है साहब। भगवान अरुणेश्वर की 3 मुख वाली प्रतिमा जिसमें रौद्र, शिव और लकुलिस के रूप में 3 देव विराजमान है, बहुत ही मनमोहक विशेषता इस शिव पंचायतन मंदिर के प्रणाल मंदिर भी हैं। यहां एक ये यज्ञशाला है। संध्या का समय यहां की महिमा और बढ़ जाती है साहब। हम दर्शन करें। विक्रम संवत 1235 में, देखिए ये एक काल था जब संस्कृति को भारी नुकसान हुआ। 1235 में अफगान आक्रमणकारी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को गुजरात की राजधानी अनहिल पाटन पर आक्रमण करने के बाद आते समय सुल्तान को इसी कासिंद्रा गांव में, ये एक ऐतिहासिक जानकारी है, गुजरात की महारानी नायिका देवी ने हिंदू राजाओं के साथ मिलकर परास्त किया और सुल्तान को घायल होकर अपने वतन लौटना पड़ा। ये इस गांव का इतिहास है। इस मंदिर के शिखर का जीर्णोद्धार, दोबारा नवीनीकरण विक्रम संवत 1239 में
अरुणेश्वर देव के परम उपासक एक व्यापारी के द्वारा हुआ। ये कि जहां साधु संतों दर्शनार्थियों की सेवा के लिए एक सुंदर गौशाला जिसमें 1000 से अधिक गायें रखी का निर्माण उस व्यापारी ने किया। यह मानतीर इतिहास की अनेक घटनाओं का साक्षी रहा है साहब। इस तीर्थ ने अपना महान स्वर्णिम काल भी देखा और पराभव भी देखा। विक्रम संवत 1253 में गुजरात पर आक्रमण करने जाते समय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कासिंद्रा गांव पर धावा बोलकर परमार राजा धारावर्य को पराजित करके इस महान शिवालय को भी ध्वस्त किया और फिर काल चक्र की महिमा देखिए। परम पूज्य संत श्री श्री एकाजराट श्री चंदन गिरी बापू के निर्देशन में और श्री राजू भाई रावल शिव भक्त श्री राजू भाई रावल के सहयोग से समाज के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। 10 तारीख को इस उत्सव के जो साक्षी रहे निसंदेह भाग्यशाली हैं। मैं देव नगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से इस आनंद को परोसने का प्रयास कर रहा हूं। पूरा गांव सभी लोग वहां पहुंचे थे। मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई। सच में आपको धन्य, सच में आबूराज के संत धन्य हैं, सच में आबू के योगी धन्य हैं और आबू के वो तमाम शिव भक्त धन्य हैं जो इस संस्कृति में अपनी आहुति देते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन करा वही उस परमात्मा की प्राप्ति में। देखिए मंदिर समाज के प्राण हैं, समाज को ऊर्जा मिलती है इन मंदिरों से। ये मंदिरों का यही महत्व है कि जब आदमी संसार के थपेड़े खाकर शाम को मंदिर की चौखट पर पहुंचकर अपना सर रखता है, वहां शंख और नगाड़ों की ध्वनि सुनता है तो उसको विश्राम मिलता है साहब। वो विश्राम पाता है, बस यही महत्व है इन मंदिरों का। देव संस्कृति के ये आधार स्तंभ हैं। आइए हम इस संस्कृति के संवाहक बने। हम इस देव दर्शन यात्रा का एक ही मकसद है कि हम भावी पीढ़ी तक वो संदेश पहुंचाएं जिसकी आज सर्वाधिक जरूरत है। वसुधैव कुटुंबकम की जरूरत है। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया की जरूरत है। आनंद की जरूरत है, शांति की जरूरत है। आप देखते रहें देव नगरी के देव दर्शन एक अनंत की यात्रा। ब्रह्मा विष्णु महेश का समावेश जब एक साथ होता है तो भगवान दत्तात्रेय की उत्पत्ति होती है, प्रकट होते हैं। और आबूराज तो भगवान दत्तात्रेय की साधना स्थली है साहब। संत तमाम तरह के मीडिया से दूर रहते हैं बेशक, लेकिन सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म जो देव नगरी के देव दर्शन के नाम से सिरोही टेम्पल्स के नाम से एक आध्यात्म की अनंत यात्रा को लेकर चल रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हमारे इस आध्यात्म का परिचम संसार के कोने कोने तक जाए। आप देखते रहें अनंत की यात्रा सिरोही टेम्पल्स। नमस्कार।